अगर इतनी बात की जानकारी मुझे पहले से मिल गई होती कि कंस राजा मेरी छाती पर 12 पसेरी की पत्थर को रख करके राहड़ की दाल को तरेंगे तो मैं अभी तक जिंदा न रहती, मन भी नहीं जब देखकर के मर गई होती। भैया भैया आज मेरी जान बचा लीजिए कंस के हाथ से, आप लोगों की मैं मदद चाहती हूं, मेरी जान की रक्षा सोचिए भी, कंस के हाथ से मुझे बचा लीजिए, मैं जिंदा रहूंगी, आप लोगों की मैं यश गाऊं। माधव की अति व्याकुल होकर के कंस की सिपाही से प्रार्थना कर कि मेरी जान बचाने की कोशिश कीजिए भैया कंस के हाथ से। भैया
खिड़की से नहीं देखी। हमको जाना पड़ेगा मथुरा के राजा कंस के पास। अगर तुम्हारे जान की रक्षा हम लोग सोचेंगे तो हम लोग की जान ना बचेगी कंस के हाथ से। हम लोग के पर में खतरा है, क्या तुम्हारे चलते हम चारों मरेंगे कंस के हाथ से? चलो तुमको जाना हो। फिर को पकड़ करके कंस राजा के सामने हाजिर करते हैं कंस की सिपाही। कंस राजा देवकी से पूछने लगे, देवकी तुम गई स्नान करने के लिए नदी में, क्या अभी तक तुम स्नान कर रही थी? चलो कंस के तरफ से तुमको जुर्माना मिल रहा है। क्या जुर्माना दिए देवकी को कंस? सिपाही लोग को हुक्म दिए जाओ जेल खाने के अंदर में पति पत्नी को अलग अलग हथकड़ी लगा करके बांध दो। एक जगह पति पत्नी नहीं रह पाते, यही जुर्माना कंस के तरफ से मिला देवकी। सिपाही लोग जेल खाने के अंदर में एक कोना में देवकी को हाथ में हथकड़ी पांव में पांव बेड़ी लगा करके बांध दिए। दूसरे कोना में वसुदेव जी को हाथ में हथकड़ी पांव में पांव बेड़ी लगा करके बांध दिए। दोनों पति पत्नी को अलग कर दिए। भादर की अष्टमी रोज भगवान कृष्ण का जन्म लेने का समय जब हुआ, मां देवकी दर्द के मारे व्याकुल हो जाती है जेल खाने के अंदर। हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, पांव में पांव बेड़ी लगी हुई है, दर्द के मारे मां व्याकुल है। उस समय मां देवकी अपनी सास को याद करती है और मां सासु मारा हथिया आज मेरे लिए कोई नहीं सहायक है।